आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और मेरे बच्चे बना कर लेकर आए हैं चाय। तो देखिए हम चाय पी रहे हैं, ये पीयूष ने बनाई है चाय और परी लेकर आई है। तो और मैं सो रही थी दिन में, तो शाम की चाय ज़्यादातर पीयूष ही बनाता है, तो मुझे बड़ा ही आराम हो जाता है। मॉर्निंग में सारा काम मैं ही करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को, फिर मैं बिस्तर में घुस जाती हूँ और ये पीयूष को जाना होता है 5 बजे ट्यूशन, तो ये चाय बनाकर लेके आता है, पिलाता है, फिर ये ट्यूशन जाता है। बारह ही ट्यूशन होकर आ गया है, तो आज तो इसको ट्यूशन जाना नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर ऐसा ही करता है, ये दोपहर को चाय वाय बना के पिला के फिर 5 बजे ट्यूशन जाता है। तो चलो कुछ तो आराम मिलता है। इसको मना करती हूँ मैं मत बनाया कर, क्योंकि देखो अभी छोटा है, अभी ज़्यादा सही नहीं है इसको अकेले चाय बनाना, क्योंकि डर भी लगता है, बच्चे चाय बनाते हैं ऐसे गैस वैस के पास जाते हैं, लेकिन ये नहीं मानता, ये इसको लगता है कि मम्मी सो रही है, मैं फटाफट से चाय बना के ले जाऊँ, मम्मी को चाय पिला दूँ और खुद ही पी लूँ। और ये नमकीन है, ये नमकीन है, और ये पापे हैं, और बस हम पी रहे चाय। ये आप भी खा लीजिए, चाय पी लीजिए। और ये चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। ये शाम के 6:30 करीब बज रहे हैं और मैं गई हूँ कपड़े लेने के लिए, तो कपड़े यहाँ से उठा रही हूँ मैं, और ठंडा मौसम हो रहा है, हवा भी चल रही थी और ठंड भी लग रही थी उसके बाद। और अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, शाम के चाय के बर्तन ये धो रही हूँ मैं, किचन साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो फटाफट से ये बर्तन साफ़ कर लूँ मैं। और ये बच्चे भी आ गए हैं, किसी बर्थडे में गए थे, गली में ही किसी का बर्थडे था तो वहाँ से केक लेकर आए हैं, वही खा रहे हैं और दिखा रहे हैं। रोजाना सोचना पड़ता है खाने में, अब क्या बनाऊँ अब क्या बनाऊँ, बड़ी टेंशन हो जाती है। तुम सोच रही क्या बनाऊँ, देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाऊँगी, क्योंकि इसे खाने में मुँह बनाएंगे सबके साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं खाने में बना रही हूँ आलू के पराठे और चटनी, ये चटनी बनाई है मैंने आलू प्याज की, ये देखिए। और मेरा कैमरा भी ख़राब हो गया था, मतलब फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अभी मेरा फ़ोन सही हो गया है, अभी उसने ठीक किया है। तो मेरा आटा लगा रखा है और मैं अभी पराठे बनाने जा रही हूँ। फाइनली मेरी सब चीज़ तैयारी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने के लिए। बच्चे भी देर कर वेट कर रहे हैं कि जब कब खाना बने, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और ये देखिए बन गया मेरा खाना, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, इधर मेरी चटनी बनकर तैयार है टमाटर और प्याज की। एक्चुअली मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जब बनाने का टाइम आया तो फ़ोन सही हो चुका था। तो ये बन गया खाना और बच्चों को मैं लगा कर दे दूँगी, और क्योंकि बच्चे भी बहुत देर से भूखे हैं, तो ये खाना लगा दिया और आप भी खा लीजिए, और मैं बच्चों को दे रही हूँ खाने। इसी के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।